हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चा। मैं विवेक रावत आप सभी का 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज विजय दशमी के पावन उत्सव पर बच्चा हम करने जा रहे हैं मंजिल सीरीज में क्वांट सेक्शन की बहुत जबरदस्त तरीके से स्टार्टिंग। एक बार सभी का बहुत बहुत वेलकम है। एक बार मुझे फटाफट बता दिए क्या बच्चा पिक्चर क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी सब परफेक्ट है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वॉइस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, पिक्चर में कोई? एक बार फटाफट कमेंट कर दो और ग्रुप में आग लगा दो। आज से बच्चा हमने आगाज कर दिया है मंजिल को पाने का। और हमारी मंजिल आप जानते हैं सीयूटी में जबरदस्त तरीके से सिलेक्शन लेके टॉप कॉलेज को लेना है। तो एक बार फटाफट आग लगाइए ग्रुप में, क्या सभी रेडी हैं आज के जबरदस्त सेशन के लिए? और आज हम करने जा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से अपने क्वांट सेक्शन की बहुत जबरदस्त शुरुआत। सबसे पहला पॉइंट मैं कुछ चीजें एक बार बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो बच्चा ये यूजी और पीजी, बार बार एक क्वेश्चन बार बार कमेंट करते हैं बच्चे, क्या सर ये पीजी के लिए भी है, क्या सर ये यूजी के लिए भी है? बच्चा ये यूजी के लिए, हम इस तरह से हमने डिजाइन किया है पूरे चीज को, इसमें यूजी और पीजी दोनों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। पहला पॉइंट, चाहे आप पीजी लॉ के हो, चाहे आप पीजी एमबीए के हो, चाहे आप पीजी एमसीए के हो, चाहे आप पीजी बीएड के हो, चाहे आप यूजी के हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, अगर आपके पेपर के आगे सीयूटी लिखा है तो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बेनिफिट होने वाला है। तो मैं चाहूंगा दो चीजें मुझे बिल्कुल बोलनी ना पड़े, एक तो लाइक करने के लिए, और बच्चा आई होप सब्सक्राइब तो सबने कर रखा होगा, और ज्यादा से ज्यादा आप अगर किसी भी ग्रुप में है इसको शेयर करिए, जिससे हर व्यक्ति तक जिसको बच्चा नीड है इसको एक्चुअल में, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें आपसे केवल आपका प्यार चाहिए बच्चों, केवल आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें इस सीरीज को चलाने के लिए। और आपका जबरदस्त प्यार मिलता रहा तो हम आपके लिए लाते रहेंगे जबरदस्त कंटेंट, एक से एक जबरदस्त धाकड़ कंटेंट। इससे पहले बच्चे मैं सेशन को स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूंगा कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इससे पहले हम सेशन को स्टार्ट करें क्विक री में, 5 मिनट में हम देखने वाले हैं कि अगले कुछ महीनों तक हमारा टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है। तो सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार फटाफट बता दें, पापा की सेरनी, विशाल, रजनीश, राधिका, बिहारी कुड़ी, अक्षय, सृष्टि, राहुल, प्रकृति, नंदनी, वानी, सृष्टि, सभी को बच्चा वेरी वेरी गुड इवनिंग। और अब मैं अगले 3 मिनट में डिस्कस करने वाला हूं कि अगले कुछ महीनों में इस मंजिल सीरीज में हम कौन कौन से क्वांट के सेक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं पूरा सिलेबस को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, केवल 2 मिनट लेंगे, पूरा सिलेबस समझेंगे, क्योंकि पढ़ने से पहले पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो सबसे पहली बात करते हैं बच्चा, नंबर वन, सबसे पहले आप सभी जानते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं जनरल यूजी की बात करूं तो 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। यूजी में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और पीजी में 4 मार्क्स का है। दूसरी बात, क्वांट सेक्शन, रीजनिंग और जीएस, तो मेरा यहां मकसद है आपके सिलेबस को डिस्क्राइब करना। तो सिलेबस में क्वांट सेक्शन में बच्चा पूरे क्वांट सेक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला पार्ट कह रहा था अर्थमेटिक, जिसको बोलते हैं हिंदी में अंक गणित, और दूसरा पार्ट कहलाता है बच्चा एडवांस। क्या होता है एडवांस, क्या होता है अर्थमेटिक? तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अर्थमेटिक सेक्शन की, जिसको बोला जाता है अंक गणित। इसमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं? पहला चैप्टर होता है बच्चा सर्ट्स एंड इंडिसेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर के नाम भले ही हमने केवल इंग्लिश में लिखे हैं, जब हम पढ़ेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे, सबको प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम एंड पार्टनरशिप। पार्ट नंबर 2 में हमने डिवाइड कर रखा है बच्चा परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और मिक्सर ऑन एलिगेशन। पार्ट नंबर थ्री में हमने डिवाइड कर रखा है बच्चा रिलेटिव स्पीड, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्टीम, रेस, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पार्ट नंबर 4 में हमने अर्थमेटिक उन्नत गणित, अर्थमेटिक मतलब एडवांस मैथ्स, उन्नत गणित मतलब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मैथ्स में नंबर 1 आता है नंबर सिस्टम, एससीएफ, एलसीएम, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, एलजेब्रा और ज्योमेट्री। और इसका नेक्स्ट पार्ट में आता है बच्चा, नेक्स्ट पार्ट में आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, सीरीज और डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये होता कैसे है, काम कैसे करता है, क्या क्या पढ़ना है, तो आप मान के चलिए 30 चैप्टर हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप एकदम से ना सोचें कि एकदम से टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लेता है बच्चा, धीरे धीरे प्रोसेस होती है, एकदम से नहीं। तो पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करें, फटाफट आग लगा दो। पहला टॉपिक है दैट इज द सर्ट्स एंड इंडिसेस। एक बार मैं चाहूंगा आप, चाहे वो बच्चा हमारा
कोई भी कहीं का भी हो, हर चीज को नया कंटेंट, नई चीज, सारा नई चीज मैं आपके लिए पेश करने वाला हूं। हर कंटेंट को हमने बिल्कुल जिसको बोलते हैं नया रेडी करा है आपके लिए, और वो आप आज खुद भी देखने वाले हैं। तो एक बार फटाफट आग लगाओ और करने जा रहे हैं हम सेशन की शुरुआत। लगाइए आग फटाफट, हम करने जा रहे हैं सेट्स और इंडिसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चा करनी और घातांक। फटाफट आग लगाइए और कंसेप्ट नंबर वन के साथ आज हम करने वाले हैं पहले चैप्टर की शुरुआत। नंबर वन, पार्ट नंबर वन, दो से तीन पार्ट में बच्चा हमने चैप्टर को डिवाइड कर रखा है। हम पार्ट नंबर वन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सर पार्ट नंबर वन में कौन से होते हैं? डायरेक्ट रिजल्ट आता है जिसमें। आप रिजल्ट को रख, देखो एक बार ध्यान रखना, मेरा मकसद है सीयूटी में आने वाले क्वेश्चनों को उड़ाना। बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े। मेरा मकसद है सीयूटी में आने वाले क्वेश्चनों को उड़ाना। जहां रिजल्ट को समझने की जरूरत होगी समझेंगे, जहां रिजल्ट को ध्यान रखने की जरूरत होगी ध्यान रखेंगे, जहां रिजल्ट के प्रूफ की जरूरत होगी प्रूफ देखेंगे, हर चीज का प्रूफ नहीं देखेंगे, जहां जरूरत पड़ी कि सर जरूरत है और इससे हमें याद रहे तो हम देखेंगे। तो पूरे हम पार्ट नंबर वन को हमने स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डायरेक्ट रिजल्ट होता है, और इसमें हम करने जा रहे हैं बच्चा कंसेप्ट नंबर, सब टाइप नंबर वन, पहला सब टाइप, पहला क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन सीयूटी 2023 में आ रखा है, दैट इज सीयूटी 2023। और ये मैं पीवाईक्यू में भी करा चुका हूं। आइए स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। हर चीज को पेशेंस चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए, ये क्वांट है, टाइम लेती है। जीटी में सबसे ज्यादा जो दिक्कत करेगा रीजनिंग, इंग्लिश, और इंग्लिश को हटाएं, इंग्लिश तो जीटी का पार्ट नहीं है, जीएस, जीके और क्वांट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है क्वांट। अगर आप क्वांट पर पकड़ बना लेते हैं तो 100% है बच्चा आपका सिलेक्शन होना ही होना है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को देखेंगे, पूरा प्रूफ के साथ देखेंगे, और जिन्होंने पढ़ा खा है चैप्टर उनको भी नया मिलने वाला है, काफी कुछ नई चीजें सीखने को मिलने वाली है, वो आप खुद देख लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, एक्स इक्वल टू है 6 × 6 × 6 अप टू इनफाइनाइट। सर x की वैल्यू अनंत तक रिपीट हो रही है, अनंत तक, और मल्टीप्लिकेशन में है, और ये इस बार के सीयूटी में भी आ रखा था। अच्छा कमाल की बात क्या है, जब ये इस बार के सीयूटी में आया मिसप्रिंट था, मतलब सीयूटी ने एनटीए ने आंसर कुछ का कुछ दे रखा था, तो बाद में बच्चों ने इसको फिल किया, आंसर तो सही हो गया। आइए तो आप बोलते हो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों का हम अप्रोच देखेंगे, डिटेल भी देखेंगे। तो पहले मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं। तो आप बोलोगे सर जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले मैं इसको बच्चा डिटेल्ड में सॉल्व कर रहा हूं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर चीज समझ में आने वाली है। कंडीशन यह है कि आप अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से समझते चलिए। आइए तो आप बोलेंगे एक्स इक्वल टू, देखिए नोटिस करिए इसको, ये अनंत तक है, इनफाइनाइट टर्म पर टर्म्स तक रिवीजन रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं इसमें से एक सिक्स को हटा लूं, भाई ये तो महासागर है, समुद्र है, अगर मैं इसमें से एक सिक्स को हटा लूं और मैं आपसे पूछूं सर ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो √6 × √6 × √6, सर ये है क्या? सर ये वही तो है जिसको आप एक्स बोल रहे थे, बताइए हाँ या ना? सर एक्स क्या था? √6 × √6 × √6 अप टू अनंत। महासागर में से एक गिलास पानी निकाल लो तो क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई, वो वही रहेगा। तो आप बोलोगे सर वही है। हाँ पीडीएफ कहां मिलेगी मैं लास्ट में बता दूंगा, पीडीएफ कहां मिलेगी लास्ट में बताएंगे। तो क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? इसको हम लिख सकते हैं दैट इज √6, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जैसे आप स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर बराबर 6x, तो x से x कैंसिल, x बराबर 6। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। लेकिन क्या मैं इसको बार बार सॉल्व करूंगा? नहीं। कभी भी मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर रिपीट हो रहा होगा, कभी भी मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर रिपीट होगा तो उसका आंसर वही रहेगा। कभी भी मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर रिपीट होगा और वो अनंत तक जाएगा तो उसका आंसर वही रहेगा। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? विद प्रूफ बताया है, हर चीज देखेंगे, बहुत ज्यादा पेशेंस। और देखो लाइक करते रहो, गुरु दक्षिणा चाहिए भैया, और आपको पता है बिना गुरु दक्षिणा के शिक्षा नहीं लगती है, गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है और मुझ तक वो पहुंचती रहनी चाहिए। फटाफट निकालिए आंसर। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, एक्स स्क्वायर टू √10 × √10 × √10 अप टू इनफाइनाइट। उड़ाइए, अनंत तक जा रहा है, 12, 19, 16, 10, आराम से एक एक चीज। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर ये तो बहुत आसान है, अभी देखते तो रहो, अभी तो दुकान खुली है, अभी तो बड़े खतरनाक पटाखे हैं, एकदम से ही मैं खतरनाक पटाखे निकाल दिया तो तुम कहोगे सर आप तो परमाणु बम एकदम निकाल दिए। टाइम लगेगा लेकिन हर चीज सीखने को मिलने वाली है बहुत प्यारे तरीके से। बताइए भाई कोई डाउट किसी को? लास्ट में मैं बताऊंगा पीडीएफ कहां मिलेगी, लास्ट में मैं बताने वाला हूं क्या पीडीएफ कहां मिलने वाली है। उड़ाइए एक क्वेश्चन और, एक्स बराबर यूजी हो
पीजी हो, और एक बार बताऊं कोई वनडे का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है ना उसको भी बेनिफिट मिलने वाला है, ना ही केवल यूजी पीजी, वनडे एग्जाम की जो कोई प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें क्वांट आती है उसको भी बेनिफिट मिलने वाला। आइए x बराबर 99 × 99 × 99 अब 2 अनंत तक यात्रा चली गई भाई साहब, उड़ाइए आंसर फटाफट, उड़ाओ 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 फटाफट, यस और नॉट, खतरनाक तरीके से उड़ाते चले जाओ, एक एक चीज को करने वाले हैं आज। अब भाई साहब जो कंसिस्टेंट रहेगा, देखो सफलता की एक रास्ता समझ लो, हार्ड वर्क सफलता का दूसरी रिक्वायरमेंट है, वो तो है ही, पहली रिक्वायरमेंट है कंसिस्टेंट। कुछ बच्चे स्टार्ट तो बहुत जल्दी अच्छे से करते हैं, कुछ बच्चे पूरी जान झोंक देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बाबू सोना के टाइम में वेस्ट कर देते हैं अपना टाइम। भैया बाबू सोना के लिए अपना 6 महीने तक ये सब बाबू सोना इंस्टाग्राम फेसबुक सब बंद कर दो, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो तो 100% सिलेक्शन होना ही होना है। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, बी इज द राइट आंसर। सबको क्लैरिटी है क्या? सबको क्लैरिटी है, बहुत बढ़िया। सीयूटी एक साइड 2023 में ये क्वेश्चन भी आया, उड़ाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके नहीं बच्चा नहीं, दुष्यंत कह रहे सर मैं नया हूं क्या मुझे पिछले की वीडियो देखनी पड़ेगी? कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, सिस्टमैटिक तरीके आप यहां से शुरू करिए, कोई पुरानी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, यहां से शुरू करिए, हम आ रहे हैं ना आपके साथ डेली। आइए एक्स इज इक्वल टू 100 × 100 × 100 अप टू इनफिनिट, उड़ाते जाओ फटाफट, एक्स इज इक्वल टू 100 × 100। अभी बहुत धमाका होने वाला है, हर तरह के बच्चे पटाखे हैं मेरे पास। अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है यार, क्या है ये तो हम जानते हैं, अभी रुक जाओ, अभी आने दो रॉकेट को। आइए तो राइट आंसर कितना हो गया? सी। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, अभी और भी धमाका आने वाला है। क्या क्लैरिटी है? तो सब टाइप नंबर टू, तो हमने पूरे चैप्टर को सब टाइप में डिवाइड कर रखा है, तो जैसे ये टाइप पार्ट नंबर वन चला है, दैट वाज सब टाइप नंबर वन, अब हम आ रहे हैं सब टाइप नंबर टू पर। ध्यान से देखिए, सब टाइप का मतलब क्या है सर? आप क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दोगे, क्वेश्चन एक्चुअल में बदल जाएगा। जैसे नंबर वन सीयूटी 2023 में फिर अगेन ये क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए एक्स इक्वल टू 8√8 अप टू इनफाइनाइट, सर पहले क्या था? पहले मल्टीप्लीकेशन था, सर अब क्या है? अब डिवीजन है, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चा बिल्कुल मंजिल की पहली क्लास है, ये पहले डिवीजन था सर और अब क्या है? अब पहले मल्टीप्लीकेशन था सर और अब क्या है? अब डिवीजन है, क्या करें सर? दो तरीके हैं, सिंपल सी बात तो ये है सर, एक तो है डिटेल और एक है अप्रोच। तो सर डिटेल समझते हैं और अप्रोच बना लेते हैं, ठीक है ना, डिटेल समझते हैं और अप्रोच बना लेते हैं। देख रहे हो बैकग्राउंड में भाई सर दिख रही है बनारस यूनिवर्सिटी का लोगो, दिख रहा है डीयू का लोगो, दिख रहा है आपको बीएचयू का लोगो, जेएनयू का लोगो, तो ये आपके मोटिवेशन के लिए है। मैं चाहता हूं कि भैया मोटिवेट रहें, मोटिवेशन सबसे जरूरी है। तो कहना क्या चाहते हो सर? डिटेल में कर देते हैं, आओ। तो x बराबर ये लिखा है 8/, ध्यान से देखिए, अनंत में से अगर मैं 1/8 को हटा लूं, अनंत में से अगर मैं 1/8 को हटा लूं तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक्स ही तो है। क्या किसी विद्यार्थी को इसमें कोई बिल्कुल 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 बच्चा, कोई पूछ रहा है क्या से कंपटीशन में हेल्प करेगा? एक बात ध्यान से कान खोलकर सुन लो सभी, जो अभी यूजी में है, 2023 चल रहा है तो पेपर ये कर रहे हैं 2024 की तैयारी, 3 साल बाद आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा 2025-26-27, 2027 में जो सिविल सर्विस का पेपर होने वाला है और 2028 में उसमें जो पेपर आएंगे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सी सेट में, वो यही है भाई साहब यही। तो ये कोई इसको ऐसा एरा गैरा मत समझना, जब इनमें लेवल बढ़ेगा ना तो भाई साहब ये खतरनाक एटम बम से भी खतरनाक काम करते हैं। आ जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाइए। तो सर ये समझ में आ रहा है, अगर ये अनंत तक है तो एक अगर मैं हटा लूं तो बच्चा ये भी एक्स ही है, क्योंकि अगर मैं बोलूं ये क्या है √8/8/8, भैया ये एक्स ही तो है, अरे तो कर दो स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8/x, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 8, तो एक्स बराबर 8 का अंडर क्यूब, कमेंट कर दो राइट आंसर कितना हो गया 2। क्या सर मैं इतना सब कुछ वहां करूंगा? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं सीधा बोलूंगा सर आग अगर डिवीजन में होगा, अगर डिवीजन में होगा तो मेरा आंसर वही होगा, मतलब एक्स का जो भी डेटा है उसका अंडर क्यूब, जो भी डेटा है उसका अंडर क्यूब 8 का अंडर क्यूब 2, कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। और सर अंडर क्यूब ना निकला तो कोई बात नहीं, क्या हुआ ना निकला तो वही आंसर नहीं लिख सकते क्या? 8^1/3 आंसर नहीं हो सकता क्या? जरूरी को ये परफेक्ट निकाले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी प्रकृति क्या कर रहे हो, चले आगे चले,
क्या क्लैरिटी है सबको, बहुत मजा आने वाला है। धीरे धीरे यार, इतने खतरनाक बम है भाई साहब, मैं बैग में ऐसे ऐसे बम भर के लाया हूं, लेकिन बहुत ध्यान से धीरे धीरे, है कि नहीं। एटम बम भाई साहब कितने कितने के पास है, हमारे इंडिया की पाकिस्तान से लड़ाई होती है पता, आपके पास हमारे पास एटम बम भी है, उनके पास भी एटम बम, लेकिन भाई साहब वो छोड़ने का एक टाइम होता है, ऐसे नहीं कि छोटी सी बात हुई तो। अभी तो मेरे पास बहुत खतरनाक खतरनाक एटम बम है, लेकिन मैं धीरे धीरे, पेशेंस रखना है। क्वांट में सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस, अगर आपने पेशेंस। अच्छा एक चीज और है, अगर मैं टफ चीजें लाता हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर मैं आपको टफ कंसेप्ट समझा रहा हूं, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका क्या रेस्पॉन्स रहा। आप कहोगे सर लल्लू लल्लू क्वेश्चन लाया करो यार, टफ मत लाया करो, तो भाई साहब मैं लल्लू लल्लू क्वेश्चन लाऊंगा। आप कहोगे सर स्टैंडर्ड लाओ, लेकिन सर हम भी रेडी हैं, हम भी डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, तो बच्चा फिर मैं आपको एक खतरनाक स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन लिखाऊंगा। गारंटी यह है कि आप किस तरह से रेडी हैं, है कि नहीं, कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट, आ जाओ। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, आइए। तो 64 64 64 आंसर निकालो फटाफट, बहुत बढ़िया, राइट आंसर। तो कुछ करना नहीं है, आप बोलेंगे 64 का अंडर क्यूब, राइट आंसर इज 4। क्या सबको समझ पा रहे हो, एक बार फटाफट कमेंट करिए हाँ या ना। बच्चा सबको क्लैरिटी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 343 एक्स इक्वल टू 343 डिवाइड बाई 343 डिवाइड बाई 343। हाँ बच्चा बिल्कुल, आयान खान कह रहे हैं सर आप सीयूटी लेवल का ले आए। बच्चा सीयूटी का लेवल अब बढ़ रहा है, हम हमेशा एक अपर लेवल लेके चलेंगे। सीयूटी का लेवल, जिस जिसने पीवाईक्यू सीरीज अटेंड करी है, देखो वहां पर सीयूटी का लेवल एक बड़ा बढ़ता जा रहा है, तो दोनों को प्रॉफिट हो जाएगा जो भी बोलाऊंगा। आइए तो 343 डिवाइड बाई 343 डिवाइड बाई 343 अप टू इंफिनिटी, उड़ाइए फटाफट आंसर कितना आ जाएगा, फटाफट उड़ाओ फटाफट। तो आप बोलोगे सर इतना क्या सोचना, 343 का अंडर क्यूब दैट इज 7। कमेंट करो हाँ या ना, कोई डाउट किसी को, अरे कोई डाउट किसी को, एक बार फटाफट कमेंट करो यस और नॉट, सब क्लियर है, आगे चले। आइए अंडर रूट नाइन, आइए बहुत प्यारा क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो। अब शुरू करने जा रहे हैं हम, धीरे धीरे निकालेंगे थोड़े से पटाखे और थोड़े से फुलझड़ियां स्टैंडर्ड क्वेश्चनों की। आइए नंबर वन, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 9 अप टू इंफिनिटी, 399 का अंडर क्यूब है, नाना दीज, उड़ाओ फटाफट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ओके ओके, आके आगे उड़ाइए फटाफट, यस ऑर नॉट, कौन सा आंसर है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, राइट आंसर इज सी सी सी, बहुत प्यारा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रूफ करना चाहता था, कोई जरूरी नहीं है कि जो डेटा निकला उसका अंडर क्यूब निकले ही निकले, भैया नहीं निकल रहा क्या करोगे आप, कोई बात नहीं सर नहीं निकल रहा तो 9 का अंडर क्यूब आंसर हो गया, कमेंट करो फटाफट यस ऑर नॉट, सी इज द राइट आंसर। क्या क्लैरिटी है सबको, क्या सबको क्लैरिटी है, बहुत प्यारा, ये तो बहुत प्यारा, बच्चे आंसर लिख के भी भेज रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं, एक्स इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 27 डिवाइड बाई 27 डिवाइड बाई 27, उड़ाइए फटाफट, बहुत प्यारा सर, बहुत प्यारा, बहुत आंसर निकालो फटाफट, उड़ाओ अगले का आंसर, 27 का अंडर क्यूब। तो आप बोलोगे 27 का अंडर क्यूब क्या हुआ बच्चा, दैट इज 3, कमेंट करो यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है, बहुत प्यारे तरीके से हमने, हाँ बिल्कुल बच्चा जो बोल रहे हैं दोबारा मैं आपको बता दूं, मैंने पिन भी कर रखा है, आपको पीजी वालों के लिए भी बेनिफिट होगा इसे बहुत प्यारे तरीके से। आगे चलते हैं सब टाइप नंबर 3 की तरफ, थोड़ा सा हम यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सब टाइप नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ाते हैं। सब टाइप नंबर 3 क्या कहता है, आइए सर, पहले था मल्टीप्लीकेशन सर, फिर था डिवीजन, और अब आएगा एडिशन, फिर आएगा सब्ट्रैक्शन। आओ फटाफट क्या होता है, एक्स इक्वल टू 12, भैया सीयूटी में आया है तो मतलब समझ लो, और जब मैं कहता हूं सीयूटी में आया है तो यह कहना छोड़ दो पीजी में आया या यूजी में आया कि लॉ में आया या एमबीए में आया या बीएड में आया, सीयूटी मतलब सीयूटी, हर किसी को इसको करना है। आ जाइए तो 12 प्लस 12, इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसमें क्वाड्रेटिक बना लूं और क्वाड्रेटिक बना के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूं श्रीधराचार्य लगाकर, या मैं सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक बार दिखा दूं आपको नजारा कि क्वाड्रेटिक बनती कैसे, करना नहीं है, अप्रोच हमारी है, सबको पता भी है, फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा। तो एक तरीका तो यह हुआ, डिटेल तरीका यह हुआ सर, वही पुराना तरीका, इसको मान लेते हैं 12 और यह हो गया भैया जी एक्स, करना नहीं है, करेंगे अपने अप्रोच से। तो आप बोलो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस एक्स, कमेंट करो फटाफट, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12 माइनस के एक्स माइनस के 12 इक्वल टू 0, कमेंट करो क्या क्लैरिटी है, और इसके कर दो फैक्टर। तो इतना टाइम है नहीं मेरे पास एग्जाम में,
इतना टाइम एग्जाम में है नहीं। तो करना क्या है, जब भी प्लस हो या माइनस हो ऐसे दो फैक्टर करने हैं। अब ध्यान समझना, अब यहां से चैप्टर टेक ऑफ करेगा, बहुत ध्यान से सुनिए भैया जी, अब यहां से चैप्टर करेगा टेक ऑफ, और टेक ऑफ में कहां तक जाएगा वो तो हमें भी नहीं मालूम। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी नंबर हो तो उसके कर दो फैक्टर, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नंबर हो उसके कर दो फैक्टर, और फैक्टर ऐसे हो कि इसकी मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए लेकिन इसका डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए, 1। कमेंट करो हां या ना, क्या समझ पा रहे हैं भावनाओं को कि नहीं, कमेंट करो, पहले कमेंट करो, हमेशा डिफरेंस होना चाहिए 1। सर नहीं हुआ तो आगे देखेंगे, और भी रास्ते हैं हमारे पास। मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए वो डिजिट, और डिफरेंस होना चाहिए 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बड़ी वाली डिजिट प्लस वाले में आंसर होगी और माइनस वाले में छोटी वाली डिजिट आंसर होगी। कमेंट करो यस और नॉट, यस और नॉट, यस और नॉट, यस और नॉट, कमेंट करो यस और नॉट। बच्चा जो बच्चा इंग्लिश बुक के लिए कह रहा है मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर पढ़ लेते फिर डिस्कस करेंगे। क्या है, सबको क्लैरिटी है, बोलो बोलो बोलो, आइए निकालो आंसर। अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56, कमेंट करो आराम से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से निकालिए। अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 अप टू इनफाइनाइट, उड़ाओ आंसर कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा। आंसर आंसर आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त आंसर, बहुत प्यारे आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त। आइए आंसर, तो आप बोलोगे 7 8 56 7 8 जा 56, राइट आंसर हो गया 8। फरमाइए क्या क्लैरिटी है सबको बच्चा, क्या क्लैरिटी है, हाँ या ना, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। लो भाई साहब, सीयूटी 2023 में एक क्वेश्चन और प्यारा सा आया, उड़ाइए। सीयूटी 2023 42 प्लस 42, अभी देखना ध्यान से, अब जब चैप्टर टेक ऑफ करेगा तो ये जो कमेंट आपको इतने दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अभी रेट चल रहा है चैट रेट 50 अप्रॉक्स, तो अभी इस चैट रेट को देखो डाउन हो जाएगा और फिर केवल वही करेंगे कमेंट जो भाई साहब शेर और शेरनी होंगी, तो कमेंट वही आएंगे शेर और शेरनी वाले। अब हम धीरे धीरे चैप्टर को कराने आ रहे हैं टेक ऑफ, तो 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो आप बोलोगे सर 7 इंटू 6 7 छंग 42, तो प्लस का साइन है, राइट आंसर हो गया 7। कमेंट करो यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है बच्चा, क्या सबको क्लैरिटी है, आओ। अंडर रूट 110 प्लस अंडर रूट 110 प्लस अंडर रूट 110 प्लस अंडर रूट 110, आंसर निकालिए। अंडर रूट 110 प्लस अंडर रूट 110 अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक, 12 13 11 10, उड़ाओ आंसर, बहुत बढ़िया। अंशु कुमारी कह रहे सर इतनी सारी ट्रिक याद कैसे रखेंगे, बच्चा आपको इंस्टाग्राम पे इतने फ्रेंड याद है, आपके अपने सारे दोस्तों के नाम याद हैं, वो आपने उन्होंने आपको क्या दिया, कुछ भी नहीं, जो आपको कुछ दे रहे हैं वो भी याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, है कि नहीं, जो आपको कुछ दे रहे हैं वो तो याद रखो भाई साहब, है कि नहीं। इंस्टाग्राम के पासवर्ड याद होंगे बच्चे को, फेसबुक का अलग याद होगा, और हर आईडी से जिसको मैसेज भेजा सब याद होगा, लेकिन इतनी सी ट्रिक याद रखने में बच्चे पे जोर आ रहा है क्यों भाई साहब। तो आप 11 into 10, भैया ये डिमांड है कंपटीशन में क्रैक करने की। सब टाइम नंबर अगले पे चलते हैं, वही अगर माइनस में आ जाए तो कैसे करेंगे, वही अगर माइनस में आ जाए तो कैसे करेंगे, आ जाइए। पहला क्वेश्चन, 12 माइनस के 12 अंडर रूट 12 माइनस के 12, उड़ाए फटाफट यस और नॉट, 12 12 12, बच्चे मैं बताऊंगा जो पूछ रहा है अभी, है कि नहीं, अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 माइनस के 12, वही माइनस में आ जाए तो कैसे निकालेंगे, उड़ाओ फटाफट। अंडर रूट 12 माइनस के 12 अंडर रूट 12 पूरा पूरा माइनस में है, पहले वाला प्लस में था, बहुत बढ़िया। आइए तो आप बोलेंगे 12 तो क्या होगा, 4 इंटू के 3, राइट आंसर माइनस के, कमेंट करो राइट आंसर माइनस के, प्लस वाला 3, छोटी वाली डिजिट आंसर हो जाएगी, कमेंट करो हां या ना, क्या क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी है। चलो एक क्वेश्चन और बच्चा, 56 अंडर रूट 56 माइनस के 56 अंडर रूट 56, उड़ाइए कितना आंसर होगा, अंडर रूट 56 माइनस के अंडर रूट 56 माइनस के अंडर रूट 56 अंडर रूट 56, फटाफट आंसर बताइए कितना कितना होगा, आंसर आंसर आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अंडर रूट 56। बच्चे एक बात ध्यान रखो जिंदगी में, है कि नहीं, ये कंपटीशन की दुनिया है, यहां आपके कितने लोग खिलाफ होंगे, आपके घर वाले भी हो सकता है आपके खिलाफ हो, यार ये क्या कर रहे हो यार, क्या बीएचयू में क्या डीयू में जाओगे भैया, ये कंपटीशन, यहां चाहिए जिगरा, यहां चाहिए आग, तभी तो किसी ने कहा है, पता क्या कहा है, कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो,
जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। पता धुआं किसको बोला गया? फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके आसपास के दोस्त। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहां पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। और सबसे बढ़िया लाइन जो मुझे सबसे खतरनाक लगती है इस लाइन की, और वो आपको मैं डेडिकेटेड करता हूं, आप सब लोगों को डेडिकेट करता हूं, जो सबसे खतरनाक लगती है, मैं जानता हूं दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है, है कि नहीं? तो राइट आंसर कितना हो गया? 7 × 8 7 × 8 = 56 राइट आंसर, छोटी वाली डिजिट। कमेंट करो हाँ या ना, बोलो बोलो फटाफट, यस और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √42 −42 −42 कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। √42 तो माइनस वाला साइन है, 7 × 42 6 × 7 = 42 6 × 7 = 42 7 × 6 = 42 तो माइनस वाली डिजिट, राइट आंसर प्लस के 6 कमेंट करो, राइट आंसर 6 क्लैरिटी, कोई डाउट किसी को लगा दो आग। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम बढ़ाने जा रहे हैं भाई साहब टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और ला रहे हैं थोड़ा सा अस्त्र शस्त्र, पहला शस्त्र निकाल रहे हैं, आपने तो आग लगा दी। √110 − √110 √110 up to infinity उड़ाइए आंसर कितना होगा। यार तुमने आग तो तुमने कह दिया, आग लगा दी, तुमने लाइक नहीं करा, लाइक ठोको जिसने अभी तक लाइक नहीं करा, भाई साहब किस किसने लाइक नहीं करा, फटाफट आग लाइक करिए। तो यह है √210 तो सीधा सीधा झंझट खत्म करते हैं, सीधा सीधा ब्रेक करो, 11 × 10 डिफरेंस कितना आया? 1 छोटी वाली डिजिट, राइट आंसर। कमेंट करो हाँ या ना, सबको क्लैरिटी है? सब टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हुए और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए, यहां क्वेश्चनों का थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए आ जाइए थोड़ा सा। सर अभी तक जो आप कह रहे थे कि इसका डिफरेंस 1 हो, आप ध्यान समझना इस चीज को, अपनी अपनी पेटियां बांध ले भाई साहब, हर कोई अपनी अपनी पेटियां बांध ले, क्योंकि अब चैप्टर होने जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है और बहुत ही प्यारे तरीके से आ जाइए। तो इस सब टाइप नंबर 4 में पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं कि अगर सर अगर उन दोनों डिजिट का डिफरेंस 1 ना हो तो क्या होगा, अगर उन दोनों डिजिट का डिफरेंस 1 ना हो तो क्या होगा। √7 + √7 + √7 up to infinity कोई बताएगा इसका आंसर। अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, तो घबराना नहीं है, जब चैप्टर अपने फुल फॉर्म में आए, जब विकराल रूप धारण करे या धारण करने वाला हो, तो घबराना नहीं है भाई साहब, और घबरा गए तो देखो मामला गड़बड़ है, उससे फिर मुझे भी डिमोटिवेशन मिलता है, यार कैसे बच्चे हैं, जरा सा हल्का सा मैंने गुगली फेंटी और बच्चे डर गए, तो उससे मुझे भी डिमोटिवेशन मिलता है। तो आप कहो कि सर ले आओ जितने तगड़े क्वेश्चन ले आए, जितने कंसेप्ट ले आओ सर, आ जाइए। तो √7 + √7 सर अब प्रॉब्लम यह है कि 7 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसका डिफरेंस 1 हो, क्या कोई फैक्टर है? 7 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसका डिफरेंस 1 हो, क्या ऐसा फैक्टर है? नहीं है भाई साहब, नहीं है। तो क्या किया जाए? तो भाई साहब लगाया जाएगा बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला। यह आया कहां से? यह आया बाई श्रीधराचार्य रूल, −b + √b² − 4ac / 2a, लेकिन हम प्रूफ नहीं देखते हैं, इसको ध्यान रखना है। ये है √4a + 1 + 1/2 जहां √ के अंदर ये है, जहां a वो नंबर है जो रिपीट होगा, कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। √4a + 1 + 1/2 सर अगर माइनस वाला हो तो सर कुछ नहीं, √4a + 1 − 1/2 कमेंट करो क्या क्लैरिटी है। √ ये क्वेश्चन पीजी LLB में आ चुका है और ये मैं PYQ में करा भी चुका हूं, ये मैं PYQ में करा भी चुका हूं, ये PG LLB में आ भी चुका है, कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या सबको याद है? लगाएं फंडा, आ जाइए। तो आप बोलोगे √4a + 1 + 1/2 कमेंट करिए यस और नॉट। क्या बच्चा क्लैरिटी है? कोई डाउट किसी को फटाफट बताइए, क्या कोई डाउट किसी को बताइए फटाफट यस और नॉट। तो a बराबर कितना बच्चा? 7, तो 7 × 28 और 1√29 प्लस के 1 डिवाइड बाय 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लैरिटी हा या ना, कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या किसी को कोई डाउट इसमें? फटाफट बताइए क्या क्लैरिटी है। तो पहला इज द फर्स्ट राइट आंसर था, लेकिन अगर आपको याद हो जब ये CUT PG में आया था,
पहली बात तो जब मैं बोलता हूं सीयूटी पीजी में आया था तो यूजी वाले ये ना सोचा अरे यार ये तो पीजी का भैया यूजी का पेपर बहुत ही टफ बनाया जा रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि यूजी का पेपर एक महीने तक होता है, उसमें बच्चों को अंदाजा हो जाता है कि यार क्या पूछ रहे हैं, तो वो पैटर्न ही बदल देते हैं 15 दिन में 10 दिन में। तो ये तो था जो जनरल फॉर्मूला बनता है, लेकिन जनरली करता क्या है, पीजी लॉ में पूछा कैसे उसने, पीजी लॉ में भैया पूछा गया क्वेश्चन कुछ ऐसे। सीयूटी पीजी ये मैंने जब भी कराया था जब मैं पीवाईक्यू करा रहा था, और मैं अब भी कराऊंगा, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन यहां भी लेके चलेंगे। ये है ये। राधिका कह रही है सर मेरा सही था तुक्का, बच्चा तुक्का ना लगाएं, है ना, तुक्का अभी सही होता है, तुक्के पे ध्यान रखिए, पूरी डेडिकेशन और पूरी जान लगानी पड़ेगी कॉलेज ले रहे हैं तो, तुक्के से दुनिया नहीं चलती, तुक्का इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चलता है बस। आइए √8 + √8 + √8। अब वो क्या करने लगा है, वो ऐसे ऑप्शन देने लगा है कि भाई साहब 2 से लेकर 2.5 तक, ये किसके लिए, ये तुक्का लगाने वालों के लिए कि लगाओ भाई साहब तुक्का। वो कहता है 2 से लेकर 2.5 के बीच में लाई करेगा, वो कहता है कि 2.5 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगा, वो कहता है कि 3 से लेकर 3.5 के बीच में लाई करेगा, वो कहता है कि 4 से लेकर 4.5 के बीच में लाई करेगा। भैया लाई कहां करेगा, एक्स की वैल्यू। हाँ जी बहुत बढ़िया तना जाए बैग, बहुत बढ़िया। आइए तो थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन सही आंसर निकालता है। x = 8 + 8 + √8 + 1। कभी सभी भैया भावनाओं को सब समझ रहे हैं कि नहीं, कौन कौन ऐसा प्राणी है जो अभी भावनाओं से अवगत नहीं है, पहले एक बार कमेंट कर दो। कोई ऐसा विद्यार्थी जो भावनाएं हमारी नहीं समझ पा रहा हो, क्वेश्चन एंटी की फीलिंग समझ गए, एंड सर डर लग रहा है मेरा मैथ्स वीक है, सुहानी बच्चा डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, जो डर गया वो घर गया, डरने की जरूरत नहीं है, युद्ध की जरूरत है, आगाज हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, और अब तुम कह रहे हो डर लग रहा है, हैं? अब डरने की जरूरत नहीं, अब तो फोड़ने की जरूरत है। तो ऐसे कंडीशन में √4a + 1 + 1/2 कमेंट करो भैया, सबको क्लैरिटी है √4a + 1 + 1/2, क्या सबको क्लैरिटी है, जहां ए क्या है भैया जी, ए है 8, तो मैं पुट कर दूं 8 × 32, रखने की जरूरत नहीं है ना, इतने तो बड़े हो, लिखा दें 8 × 32 और 33 + 1/2, कमेंट करो यस और नॉट, किसी को कोई आपत्ति इसमें कमेंट फरमाइए, बताइए फटाफट, बहुत बढ़िया, क्या सबको क्लैरिटी है, क्या सबको क्लैरिटी है, फटाफट बताइए, एमबीए के लिए भी है, बिल्कुल बच्चा अविनाश, ये सीयूटी एमबीए के लिए भी है, बिल्कुल बिल्कुल अविनाश बच्चा, मैं सीयूटी एमबीए वाले सारे क्वेश्चन आएंगे। अब भाई साहब करना क्या है, अब ध्यान से समझ लिए, अब उसने गेम ऐसे खेला, रेंज दे दी, रेंज कोई बात नहीं है, रेंज दे दी तो हम रेंज भी निकाल लेंगे, रेंज में क्या क्या करो, जो छोटा डिजिट है आप मुझे बताइए, बहुत बढ़िया, जो छोटा डिजिट है √33 से छोटा नंबर जिसका परफेक्ट रूट आपको मालूम हो, √33 से छोटा नंबर कौन है जिसका परफेक्ट रूट, 32 परफेक्ट नहीं है, 30 का परफेक्ट रूट नहीं मालूम, 29 का परफेक्ट रूट नहीं मालूम, 28 का नहीं पता, 27 का नहीं, 26 नहीं, 25 कमेंट करो यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है, √25 + 1/2, किसको डाउट है फटाफट कमेंट करो यस और नॉट। हम क्या करेंगे उस डिजिट पे रुक जाएंगे जिसका परफेक्ट रूट मालूम हो। अब अपर चलो, पहले लोअर चले थे अब अपर चलो, 33 का रूट नहीं मालूम, 34 का रूट नहीं मालूम, 36 का नहीं मालूम, तो आप बोलेंगे √36 + 1/2, कमेंट करो यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है। तो आप बोलोगे क्यों लिया सर, रेंज में है तो सर, नहीं होता तो पुराना था, 25 का रूट 5 + 1 और 1, 5 और 1 6 का आधा 3, सर 36 का रूट 6 + 1 और 1 7 का 2 7 का आधा 3.5, तो आंसर 3 से 3.5 के बीच में, कमेंट करो सी इज द राइट आंसर, कमेंट करिए यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है फटाफट बताइए। सर बैच कितने का है नरेंद्र बच्चा, अगर कोई बच्चा किसी को देखो होता क्या यूट्यूब में एक बड़ी प्रॉब्लम, देखो किसी के निगेटिव पॉइंट है तो पॉजिटिव पॉइंट है तो निगेटिव भी है, यूट्यूब में उन बच्चों के साथ जिनका क्वांट बहुत वीक है उन्हें प्रॉब्लम है, तो बच्चा हमारे पेड बैच भी अवेलेबल है जिससे आप मुझे फेस टू फेस डाउट भी पूछ सकते हो, यूट्यूब में देखो डाउट नहीं पूछी जा सकती, ये तो रियलिटी है ना, तो आप पूछ रहे थे मैं लास्ट में बता दूंगा, अभी आप अभी पढ़ लेते हैं। आइए 3 से 3.5 के बीच में, किसी को कोई डाउट है फटाफट कमेंट करो, किसी को कोई आपत्ति क्लैरिटी है, चलो निकालो आंसर, √10 + √10 + √10 उड़ाइए, उड़ाओ फटाफट सर। आइए बच्चे, सर रेगुलर कब से होंगे क्लासे बच्चा, थोड़े टाइम तक तो चलेंगे अल्टरनेट, फिर हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। सर सिलेबस कितने मंथ में हो जाएगा, देखो बच्चा 30 चैप्टर है, क्लियर सी बात है 30 चैप्टर है,
एक चैप्टर कराने में कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं मिनिमम। ये छोटा चैप्टर है भले 2-3 दिन में हो जाएगा, और अभी क्लासे टाइम लगता है बच्चा। देखो ये ऐसा नहीं है, ये एकदम से नहीं, एक दिन में कोई शक्तिमान नहीं बनता क्वांट में, टाइम लगता है, लंबा प्रोसेस है। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, जो लेट आया बाद में देख लेना। 30 चैप्टर, आप खुद सोचिए एक चैप्टर में कम से कम 6 दिन भी दूंगा तो 180 दिन तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये क्वांट है भाई, ये ऐसा नहीं है। आइए नंबर 1, अंडर रूट 10 उड़ाओ आंसर फटाफट। तो आप बोलोगे अंडर रूट 4a + 1 + 1/2 प्लस वाला है, अंडर रूट 40 और 1 अंडर रूट 41 41 + 1/2। क्या क्लैरिटी है सबको, कमेंट करो क्या क्लैरिटी है। मिस्टर सर्म्स कह रहे मेरा नाम ले लो, हाँ जी ले लिया नाम आपका भी। आइए ओके, तो आप बोलोगे 41 से नीचे नीचे चलो, पहले 41 से नीचे कौन आता है, अंडर रूट 36 जिसका रूट मालूम है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। 36 का रूट 6 और 1 7/2 कितना होता है 3.5। और अंडर रूट 41 से ऊपर कौन आता है 49 प्लस के 1/2, 49 का रूट कितना होता है 7 और 1 8 का आधा 4 3.5 से 4 ऑप्शन नंबर 4 कमेंट करो हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है फटाफट बताइए। सर आपकी जीटी वाली बुक पूरी इंग्लिश में है बच्चा जी, हिंदी वाली प्रशांत गर्ग हिंदी वाली रेडी हो रही है, थोड़ा सा टाइम दो, हिंदी में भी बहुत जल्दी आ जाएगी, अभी इंग्लिश में है, अभी हिंदी वाली बहुत जल्दी रेडी हो रही है, बहुत जल्दी आ जाएगी। चले आगे, वाह यार होशियार तो हो गए तुम। चलो एक क्वेश्चन और निकाल दो फिर, अंडर रूट 13। देखो प्रैक्टिस के लिए खतरनाक तरीके से एक एक क्वेश्चन पे 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जिसको प्रॉब्लम होती है समझने में सारी चीजें क्लिस्ट हो, मैं हम क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन करके लाते हैं, एक बार समझ में ना आए दूसरा आएगा, दूसरी बार समझ में आए तीसरा आएगा। आ जाइए उड़ाइए, अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 अप टू इनफिनिट, 2 से 2.5, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 4 से 4.5, या फिर आपका 3.5 से 4, उड़ाओ फटाफट आंसर, बहुत प्यार। और लेवल बढ़ा दो थोड़ा सा और बढ़ाइए सर, जनरल टेस्ट में क्वांट में मार्क्स फिक्स है, कोई मार्क फिक्स नहीं है बच्चा, कितना भी हो सकता है, 30 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 35 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं, 20-25 भी आ सकते हैं, किससे भी आ सकते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता। तो आप बोलोगे अंडर रूट 4a प्लस के 1 + 1/2 यस और नॉट, 13 चौक 52 और 1 √53 + 1/2 कोई डाउट किसी को, अंडर रूट 53 + 1 हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, अभी तो लैंग्वेज शुरू भी नहीं हुई, हो भी जाएगी लैंग्वेज तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए तो रूट 53 के नीचे चलेंगे तो 49 आ जाएगा प्लस के 1/2 और रूट 53 से ऊपर चलते तो 64 आ जाएगा 8 + 1/2 कमेंट करो, 49 में कितना होता है 7 और 1 कितना होता है 8 का आधा कितना होता है 4, ये होगा 8 + 1 और 2 8 और 9 4.5 4 से 4.5 क्या आप समझ पा रहे हैं, सी इज द राइट आंसर कमेंट करो हाँ या ना। भैया सबको क्लैरिटी है, आग लगाओ फटाफट क्लैरिटी कोई डाउट किसी को। चलिए सब टाइप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए देखो कितने प्यारे तरीके से सब टाइप डिवाइड कर रखा, ये किसी बुक में किसी यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा जितने प्यारे तरीके से। आज की क्लास में मेरे पास 10 सब टाइप हैं 10। आइए 5 सब टाइप आसान है वही माइनस में, उड़ाओ आंसर, उड़ा दो फटाफट, उड़ाइए फटाफट, देखते हैं कौन इसका आंसर निकालता है, उड़ाइए। भूकंप तूफान आंधी कुछ आ जाए क्लास गैप नहीं होना चाहिए, जहां क्लास गैप हुआ आप अपने लक्ष्य से पीछे की तरफ भटकना शुरू हो गए, डायवर्जन शुरू हो गया है कि नहीं, डायवर्जन बहुत ज्यादा होता है भाई साहब इस उम्र में। अंडर रूट 8 क्योंकि नीचे आ रहा है जवान मूवी का ट्रेलर, अब बच्चा जवान मूवी देखे मिर्जापुर 3 देखे या बेचारा क्वांट देखे, अब क्वांट में दिमाग लगाना पड़ रहा है कि नहीं, समझ रहे हो। अंडर रूट 8 - 8 तो सीधा सीधा लगाते हैं अंडर रूट 4a + 1 - 1/2 कमेंट करो यस और नॉट, बोलो कोई डाउट किसी को, सबको क्लैरिटी। तो 8 + 32 = 33 अंडर रूट 33 - 1/2 बोलो फटाफट हाँ या ना। बच्चा सबको क्लैरिटी है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करिए और कुछ भी नहीं करा, तो माइनस वाला तो माइनस कर दिया सर, अंडर रूट 33 क्या होता है, आसपास का रूट 25 माइनस के 1/2 सर अगर नहीं होता तो यही आंसर होता तो कहानी खत्म, और ये होगा अंडर रूट 36 - 1/2 5 में से गया 4 का आधा 2 6 में से गया 5 का आधा 2.5 2 से लेकर 2.5 ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करो यस और नॉट। क्या सबको क्लैरिटी है फटाफट कमेंट चाहिए, बहुत प्यारा बहुत ही प्यारा, ठीक है बच्चा। आइए मैं एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं क्या,
एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं, जो सेम सेम टाइप है उसको होमवर्क के लिए दे देते हैं। चलो जो सेम टाइप है इसको कर लेते हैं, उड़ाइए जो भी होमवर्क के लिए देंगे, और लास्ट में भी मैं दूंगा आंसर कमेंट में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बच्चा ये हमें भी ये होता है कि आप हमारी सीरीज को कितना पसंद कर रहे हो। आंसर होमवर्क में जरूर देना, और मैं उसको होमवर्क के क्वेश्चन को पर्सनली देखता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता हूं, है कि नहीं। आइए उड़ाओ, अंडर रूट 13 माइनस के 13 सब टाइप चेंज कर रहे हैं, सब टाइम नंबर नेक्स्ट पे आ रहा है। अंडर रूट 13 कोई भी ऐसे विद्यार्थी हो जिसमें देखो टाइम लग सकता है समझने में, लेकिन ऐसा नहीं है। और बच्चों एक ही बार में स्पीड नहीं बढ़ती, टाइम लगता। मैं आपको बता दूं एक कमाल की बात, भाई साहब नवंबर का महीना शुरू होने वाला है और हमने 4 से 5 पेड बैच ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो करना तो यही था कि अपना सिलेबस खत्म करके, ये दैट इज टाइम फॉर रिविजन। लेकिन कुछ बच्चों ने अभी स्टार्टिंग करी है, तो बिल्कुल भी लेट मत करो, अब बिल्कुल पढ़ते चले जाओ, अब गैप नहीं होना चाहिए। आओ थोड़ा टफ होने दो। आइए तो आप सीधा सीधा वैल्यू करते हैं, अंडर रूट 4a + 1 - 1/2 कमेंट करो। 13 4 13 4 52 और 1 53 -1/2 कमेंट करिए, यस और नॉट। तो आप बोलोगे 53 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 49 - 1/2 49 सात और एक 6 का आधा 3, और ये होता है अंडर रूट 64 - 1/2 8 और एक 9 सात का आधा 3.5 3 से लेकर 3.5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करो क्या क्लैरिटी है बच्चा, क्या क्लैरिटी है? नहीं बच्चा नंदनी, बी नहीं है, सी इज द राइट आंसर। आगे चलें, अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक छोटा सा अनार बम, देखते हैं इस अनार बम का असर कितना किस पर होता है। आइए छोटा सा अनार बम, एक नया खतरनाक तरीके से, एक छोटा देखते हैं इसका आंसर कौन देगा, ठीक है। तो अनार बम से जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं। पहला अनार बम, आप इसका आंसर क्या बोलते थे, निकालो आंसर। अनार बम पहला क्वेश्चन, सब टाइप नंबर 6 पर आ चुके हैं हम, इसका आंसर आपको क्या लगता था, एक्स बराबर 6 × 6 × 6 × 6 अप टू इनफाइनाइट, क्या होगा आंसर, आप क्या बोलते थे इसका आंसर, एक्स इक्वल टू 6 × 6 × 6 अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक, अनंत की यात्रा में। तो बहुत बढ़िया, मिलेनियर और पापा की शेरनी और आयंत खान सबने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कि सर इसमें कोई इतना सोचने वाली बात क्या है, हम तो 6 बोलते थे। सर आप ही ने बताया था अगर नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो तो 6 बोल दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर इसको क्या बोलोगे, कोई बताएगा, कोई मुझे इसका इससे अवगत कराना चाहेगा, क्योंकि मैं आपके सामने एक छोटा सा अनार बम लेके आया हूं। एक्स बराबर यह है अंडर क्यूब 7 × √7 × √7 का × √ अप टू इनफाइनाइट, क्या बोलेंगे, कोई आइडिया, कोई भी आइडिया, क्या बोलेंगे इसको, x बराबर 7 × √7 × √7 अप टू इनफाइनाइट, कोई आंसर बताएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 √7 √5 √14 या नन ऑफ दीज। पहला बहुत बड़े सत्यम का आंसर आ चुका है एक। आओ अब एक लॉजिक समझो, एक लॉजिक समझो, एक नया कंसेप्ट, नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही प्यारी। जब भी ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिटेल नहीं करना है, जब भी ये मल्टीप्लिकेशन में हो, जब कभी मल्टीप्लिकेशन में हो, आंसर हमेशा एक पावर कम हो जाती है। तो पावर कितनी है, 3, और आंसर 3 की पावर एक कम करोगे 2। लेकिन क्या अंडर रूट कभी लिखा जाता है, नहीं। क्या अंडर रूट कभी लिखा जाता है, नहीं। और अंडर रूट एक्स लिखा है तो मतलब एक्स रेज टू की पावर 1/2, तो इसकी पावर एक कम हो गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करो हाँ या ना, बोलो 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 फटाफट, यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है। जब भी ऐसा मल्टीप्लीकेशन में हो, पावर्स एक कम करते चले जाओ, बोलो फटाफट यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है। जिसको अभी भी शक है आओ, सीयूटी 2023 ये एमबीए वाले पेपर में आया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एमबीए वाले हैं, बिल्कुल बच्चा आपके लिए भी धमाका है, सीयूटी 2023 हर बच्चे को सीखना है क्वेश्चन। एक्स बराबर 5 का अंडर क्यूब × 5 का अंडर क्यूब × 5 का अंडर क्यूब, उड़ाइए, बहुत बड़े बहुत बड़े, आइए उड़ाओ आंसर कितना होगा देखते हैं, बहुत प्यारा। एक्स बराबर 5 का अंडर क्यूब × 5 का, एक बार मैं आपको बता दूं आपके लिए एक एक पीपीटी को रेडी करने में बहुत टाइम लगता है, सारी बुकों से डाटा सेलेक्ट करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना, टाइम। तो आप बोलोगे 5 का अंडर क्यूब, कमेंट करो क्लैरिटी, चाहे तो आप इसको डिटेल में भी कर सकते हो, वैसे ही आएगा। उड़ाओ x = 7 का अंडर 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, x = 7 का अंडर 4, आग लगा दी भाई साहब, आग लगा दी ग्रुप में।
एक्स बराबर सेवन का अंडर फोर इंटू सेवन का अंडर फोर इंटू सेवन का अंडर फोर इंटू सेवन का अंडर फोर अप टू इनफाइनाइट। आंसर बताओ, सात का अंडर क्यूब, पांच अंडर रूट पांच, चौदह का अंडर क्यूब, या फिर नन ऑफ दीज। उड़ाइए आंसर कितना होगा। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। एक्स बराबर सात का अंडर क्यूब या फिर पांच का अंडर रूट या फोर्टीन का अंडर क्यूब। तो मैंने क्या बोला था भैया जी, मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर एक कम होगा, तो सात का अंडर क्यूब होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करो क्या क्लैरिटी है, लगा दे आंख। ये छोटा सा अनारबम था, कैसा लगा अनारबम, निकालो आंसर। एक्स बराबर इलेवन का अंडर नाइन, इलेवन का अंडर नाइन, इलेवन का अंडर नाइन अब टू इनफाइनाइट। बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक्स बराबर इलेवन का अंडर नाइन, इलेवन का अंडर नाइन, है ना। अब वैसे ही क्वेश्चन आपको ये कितना टाइम ले, कुछ बच्चे कहते हैं सर एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट भी 30 सेकंड भी नहीं है। भैया ये कितने देर का क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो टफ होगा, टाइम लेगा, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो देखते साथ चुटकी में हो जाएंगे। अब वहां टाइम नहीं बचाओगे तो कैसे काम चलेगा। राइट आंसर ए, कमेंट करो, उड़ाइए। क्या क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी है, कंफर्म कंफर्म कंफर्म। सब टाइप नंबर ए, क्या सभी अपनी अपनी पेटियां बांध चुके हैं, हम अपने जहाज को थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं। क्या सभी रेडी हैं, क्या सभी रेडी हैं, एक बार आग लगवा इसी बात पे। और कंसेप्ट नंबर सात के लिए फटाफट स्वागत करिए, कंसेप्ट नंबर सात का, उसको भी अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आइए उड़ाओ फटाफट। कंसेप्ट नंबर सात, सब टाइप नंबर सेवन डिस्कस कर रहे हैं और आग लगा दो। और पहला क्वेश्चन सब टाइप नंबर वन का, देखते हैं कौन आंसर निकलता। आइए, अंडर रूट 35 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 35 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 35 अब टू इन फाइनाइट, अब टू इन फाइनाइट। हाँ जी, ऑप्शन नंबर वन, सात इंटू पांच 35 या नन ऑफ दीज। कोई आंसर, कोई आइडिया, सात इंटू पांच 35 नन ऑफ दीज, कोई आइडिया। अंडर रूट 7 5 35 या नन ऑफ दीज, 7 5 35 या नन ऑफ दीज, कोई भी आइडिया, कोई कुछ अपने विचार व्यक्त करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, ए आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का सात, कुछ बच्चों का इक्कू का आंसर ए आ रहा है, सैन जी का आंसर सी भी आ रहा है, कुछ बच्चों का 35 भी आ रहा है। आओ समझते हैं। हाँ, आपने देखा भैया जज्बात बदल गए, क्वेश्चन बदल गया, माहौल बदल गया, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट क्वेश्चन, इसकी अप्रोच भी है मेरे पास और डिटेल भी है, अप्रोच भी है और डिटेल भी है। पहली बात तो मैं एक बता दूं कि 35 आंसर नहीं है, 35 इज नॉट द करेक्ट आंसर, ये मैं आप सबको बता दूं, 35 करेक्ट आंसर नहीं है। और अभी भी जिस जिसने गुरु दक्षिणा नहीं दिया, ये बहुत ही गलत बात है भाई साहब, है सबसे पहले 35 आंसर नहीं है। पहला पॉइंट भैया, ये दो मल्टीप्लीकेशन में 35 प्लस के 2 इंटू 35 प्लस के 2 इंटू 35 अप टू इनफाइनाइट। पहला पॉइंट बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को। आइए नंबर वन, अब ध्यान से समझो जो मैं समझाने वाला हूं, क्या होगा। ऐसी कंडीशन कहीं बन जाए एक्स बराबर ए प्लस बी अंडररूट ए प्लस बी अंडररूट ए प्लस बी अप टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन करने के दो तरीके, पहला फॉर्मूला, दूसरा विदाउट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला, दूसरा विदाउट फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला, अंडररूट फोर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई टू, ये वही है, पहचाना भैया जी, पहचाना कौन है ये। अगर आप b बराबर वन लिख दोगे ना तो अभी वही है जिससे अभी हम मिलकर आ रहे हैं, फोर ए प्लस वन प्लस वन बाई टू। समझ पा रहे हो कि नहीं इसको, ये वही है। मैथ की क्लास चलेगी बच्चा अनुराग, मैथ की क्लास बहुत जल्दी चलेगी, बिल्कुल टेंशन ना लो, मैथ की क्लास जल्दी चलेगी, ठीक है ना, मैथ्स की क्लास चलेगी, बिल्कुल परेशान ना हो। तो अंडर रूट फोर ए प्लस वन प्लस वन बाई टू है पहला पॉइंट। तो आप समझे भावनाओं को, भैया जी ये तो ठीक है सर, लेकिन ये यही तो है फंडा, इसके मेरे पास शॉर्ट ट्रिक भी है, इसकी अप्रोच भी है। तो आप बोलोगे फोर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई टू, पहले मैं इसको अप्रोच से करना चाहूंगा, पहले मैं इसको अप्रोच से करूंगा। बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को, पहले मैं इसको करने जा रहा हूं अप्रोच से, जहां आपने नोटिस किया कि सर ये जो है ये भाई साहब ए है और ये भाई साहब बी है, तो ए बराबर 35 है और बी बराबर 2 है। पहले मैं इसको करने जा रहा हूं डिटेल में, और मेरे पास है इस क्वेश्चन करने के दो तरीके। क्या क्लैरिटी है, फटाफट आग लगाओ। हाँ जी, क्या क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी है, फटाफट बताइए। तो आप बोलोगे अंडर रूट सर फॉर्मूला लगाते हैं, पहला फॉर्मूला फोर ए प्लस वन फोर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू। कमेंट करो हाँ या ना, क्या क्लैरिटी है, फटाफट आग लगा दीजिए। क्या क्लियर है सबको,
तो आप बोलोगे बी मतलब 4 × 35 और बी का मतलब बी स्क्वायर मतलब 4 + 4 / 2 कमेंट करो यस और नॉट। 5 × 20 = 13 = 144 144 है, 144 का सीधा लिख दे लाइन बचाएं 12 + 4 / 2 12 × 4 = 16 / 2 कमेंट करो कमेंट करो। बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एक बार हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। दीज 140 + 4 / 2 कमेंट करो कमेंट करो यस और नॉट। यहां तो खाली बी है बच्चा, हमने यहां पे मिस्टेक कर दी, यहां खाली बी बी है ना। एक सेकंड रुक जाओ बस, आइए तो यहां आ जाएगा 2 बस 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 बस। तो राइट आंसर कितना आ गया, मैंने एक लाइन बचा रहा हूं सीधा लिख रहा हूं, तो ये हो गया अंडर रूट 12 + 2 / 2 14 / 2 राइट आंसर 7 कमेंट करो हाँ या ना। अप्रोच है मेरे पास, इसकी अप्रोच है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना लेंथ ही नहीं करेंगे अप्रोच है, लेकिन समझना तो जरूरी है ना, समझना तो जरूरी है ना, है कि नहीं। अगर मैं सीधा बता दूंगा तो तुम कहोगे सर ये तो और रट्टा हो गया, तो समझना भी जरूरी है हर चीज। देखो नॉर्मल सी बात है, जो रास्ता जैसे खुल रहा है वैसा खोलो, प्यार से खुल रहा है तो प्यार से खोलो, अगर नहीं खुल रहा है रट्टा मार के खोला है तो रट्टा मार के खोलो। मकसद है सीयूटी में 100% लाना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए नंबर वन, तो पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, अनरोड ए 4a + b² + b / 2। लेकिन सर इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास, मैं क्या करूं, करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा अप्रोच लगाते हैं। आइए कैसे लगाएंगे, मैं सीधा अप्रोच लगा रहा हूं बच्चा, क्या सब पहचान गए इसको, भैया निगाहों में बसा लो इसको सीधा। कैसे पहचानेंगे सर, कैसे पहचानेंगे, अंडर रूट a + b a + b a + b a + b। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए माइंड में सेट कर लो शीट को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं, इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस यहां लिखी वो संख्या हो, और होंगे, नहीं होंगे तो तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र तो है ही, फॉर्मूला अंडर रूट 4a + b² + b / 2 वो तो है ही, और होंगे तो ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस यहां लिखी नंबर हो। तो 7 × 5 = 35 7 × 5 = 35 और अगर प्लस का साइन है तो बड़ी वाली डिजिट आंसर। बोलो भैया राधे राधे, कमेंट करो फटाफट किस किस को क्लैरिटी नहीं आई। हमेशा जितनी डिजिट लिखी है उसके फैक्टर बनेंगे, अगर यहां 3 हुआ तो डिफरेंस 3, अगर यहां 4 हुआ तो डिफरेंस 4, अगर यहां 5 हुआ डिफरेंस 5, और अगर यहां 1 हुआ डिफरेंस 1। पहले वाला याद करो जरा पुराने दिन, भैया जब यहां 1 होता था तो डिफरेंस 1 लेते थे कि नहीं, कमेंट करो। क्लैरिटी है, क्लैरिटी, कोई डाउट किसी को, क्लियर 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 क्लियर, कंफर्म। चले आगे, आई थिंक सब समझ पा रहा है भावनाओं को, बहुत प्यारा। आइए फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोई गलत नहीं है, आ जाओ निकालो। अंडर रूट 63 + √63 + √63 + √63 उड़ाइए, √63 + √63 तो 63 के ऐसे दो फैक्टर जिसका डिफरेंस 2 हो, उड़ाओ फटाफट। आइए 63 63 63 63 के दो फैक्टर। एक बात ध्यान रखना, कभी क्वांट में कुछ चीजें टफ आएंगी, कुछ चीजें बहुत लो आएंगी, कुछ चीजें मॉडरेट आएंगी, टफ चीज से तुम डर गए तो एक तरह से तुम फैकल्टी को ये इंटीमेशन, ये रिजल्ट, ये एक तरह से बताते हो कि सर टफ मत कराया करो, सर सर फिर लल्लू लल्लू क्वेश्चन कराओ। देखो लल्लू लल्लू क्वेश्चन में मजे नहीं आते, जिंदगी का मजा खट्टे में है। तो भैया अगर आप टफ से डर गए, और मुझे लगा कि यार मैं तो टफ लेके आऊं तो भाई साहब ये तो डर जाते हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना। तो आप बोलेंगे 7 × 9 = 63 सर 9 और 7 का डिफरेंस 2, तो राइट आंसर हो गया 9 कमेंट करो हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी है, उड़ाइए भाई साहब। लो भैया माइनस में नहीं आ सकता क्या, बिल्कुल आ सकता है। अंडर रूट 35 - 2 √35 - 2 √35 - 2 अप टू इंफिनिट 7 5 35 नन ऑफ दिस, उड़ाओ 7 5 35 नन ऑफ दिस 7 5 35 नन ऑफ दीज, उड़ाइए फटाफट यस और नॉट। सबसे पहली बात, दो चीजों के आंसर देने वाला हूं इसके बाद, प्रैक्टिस कहां से करनी है
बुक बहुत जरूरी है, हर किसी को वो बुक लेनी है प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको राइट गाइडेंस मिल सके, भ्रमित ना हो, दिशा भ्रमित। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आरएस अग्रवाल ले लेते हैं, फिर वो कहते हैं सर हम आरएस अग्रवाल से पढ़ा रहे, मेरे भाई आरएस अग्रवाल बैंकिंग की बुक है, आरएस अग्रवाल में कैट के क्वेश्चन दे रखे हैं, आरएस अग्रवाल में सीजीएल के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप डाइवर्ट नहीं होगे, आप परेशान नहीं होगे, आप करोगे सर, आप कहोगे सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, नहीं कर रहे हैं वो, तभी तो बाई चांस। तो 7 5 35 7 5 35 दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 2, छोटी वाली डिजिट इज द राइट आंसर, कमेंट करो बी इज द राइट आंसर। क्या क्लैरिटी है, लगाना चाहे फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, कमेंट करो। सब टाइप नंबर करेंगे कल से स्टार्ट, सब टाइप नंबर आज से स्टार्ट नहीं करेंगे, सब टाइप नंबर कल से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कुछ बच्चों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो सर पीडीएफ कहां मिलेगी, ये एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है सर, सर पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिल पाती है, क्या करें। पहला क्वेश्चन, पीडीएफ कहां मिलेगी, सुन लो ध्यान से, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके आया हूं। सबसे पहले आपको ऐसे जैसे ही आप अड्डा वाली ऐप को इंस्टॉल करेंगे, अड्डा 247 ऐप, आपको ऐसे दिखेगा, और सबसे पहले यहां सीयूटी वाले पोर्शन पे करना है, आज 10 टाइप करवाने थे, अभी 7 ही हुए, सीयूटी वाले पोर्शन पे है ना, क्लैट सीयूटी अड्डा एसएससी सीजीएल बैंकिंग बहुत सारे हैं हमारा वर्टिकल, आपको सीयूटी वाले चैनल पे जाना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सीयूटी जाने के बाद आपको यहां एक्सप्लोर ग्रुप पे जाना है, दिख रहा है एक्सप्लोर ग्रुप पे, जैसे ही आप एक्सप्लोर ग्रुप में जाएंगे तो यहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विवेक बाय विवेक सर करके चैनल दिखेगा, पहला लिंक डाला हुआ, ये जो आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिख रहा है यही पीडीएफ है, आगे आने वाली सारी पीडीएफ और पुरानी जितनी भी पीडीएफ है मैं सारी यहां मिल जाएंगी। ठीक है बच्चा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट याद रखिए, हमें मोटिवेशन मिलता है आप जब होमवर्क का आंसर कमेंट सेक्शन में देते हैं, और यह बहुत जरूरी है, तो इसका आंसर मुझे यहां नहीं चाहिए, आप भले ही आंसर जानते हो, मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ही चाहिए, मुझे आंसर ये है अंडर रूट 90+90+90 कमेंट बॉक्स में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम प्रैक्टिस कहां से करें, हम समझ नहीं पा रहे, आइए मैं आपको बता दूं, स्पेशल जीटी वाली बुक है आप लोगों के लिए, ये स्पेशल बुक है, सबको ले लेनी है, इसमें क्वांट भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, सबको लेनी है ये बुक, और इस पर प्रैक्टिस शुरू करनी है, कोई भी ऐसे बुक नहीं लेनी जिससे आप कंफ्यूज हो, पहला पॉइंट। दूसरा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम यूट्यूब पे पढ़ने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, मुझे डाउट भी पूछने हैं, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, क्वांट मेरा वीक है, मैं होता है 100% सर, मुझे ऐसा वन टू वन में फेस टू फेस यूट्यूब पे मैं नहीं पूछ पाता डाउट, मैं वहां डाउट भी पूछ पाऊं, तो देखिए आइए तो आप बोलेंगे सीधा सीधा आएंगे अड्डा 247 पे, यहां आएंगे ऑल कोर्सेज, बिल्कुल अभी हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ, आप चाहते हैं कि आप डाउट पूछ सके, अंडरग्रेड पर आएंगे, यहां आएंगे, या देखिए जैसे आप अंडरग्रेड पे आते हैं ना बच्चों, यहां सीयूटी वाले पे आना और सीयूटी जीटी वाले पे जाना। तो हमारा जो सेपरेट बैच स्टार्ट हुआ है वो समर्थ के नाम से स्टार्ट हुआ है, बुक कैसे लेनी है मैं अभी बुक कर बताऊंगा, आइए नंबर 1। तो समर्थ के बेस से इसमें 12 ई बुक मिलेंगे, जब आप बैच लेते हैं तो बुक उसमें ऑलरेडी मिलती है, तो फिर बुक अलग से नहीं लेनी, तो 12 ई बुक मिल रही है, ई बुक में सारी आपको डिटेल होती है। इसके अलावा मॉक ही है जो मेन है, आपको सक्सेस दिलाते हैं, तो मॉक आपके लिए बहुत जरूरी है, मॉक इसमें मिल रहे हैं। इसके अलावा पूरा स्टडी प्लान आपको कैसे जाना है, आइए मैं सीधा बता दूं आपको, Y696S कोड याद रखिए, कोड क्या है बच्चा, वाई कोड है Y696S, सीधा अप्लाई करना है Y696S, जब इसे आप अप्लाई करते हैं तो इससे आपको मेरी तरफ से फ्री मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, मतलब हमारी तरफ से उस फैकल्टी की तरफ से, तो आप अप्लाई करेंगे, केवल अभी ऑफर चल रहा है, पहले 20% ऑफ होता था, अभी 22% का ऑफ चल रहा है 4679। लेकिन बच्चा मैं प्रेफर करूंगा, अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे सर सबसे कैसे तैयारी की जाए, सर जिसमें रिवीजन भी मिल जाए, देखो यूट्यूब पे तो हर चीज का रिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसमें रिवीजन भी हो जाए, तो बच्चा रिवीजन के लिए मैं प्रेफर करूंगा महापैक, सबसे बेस्ट है महापैक, मतलब एक बार लो, अगले 8-9-10 महीने तक जितने भी बैच आते हैं महापैक में सब फ्री होते हैं सारे, तो आपको बुक भी मिल जाएगी, इसमें ई बुक भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और उसके अलावा आगे आने वाले सारे बैच भी फ्री मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको सीधा सीधा बाइनो पे जाना है, बाइनो पे जैसे ही आप जाएंगे कोड लगाएंगे Y696S, S का मतलब बच्चा सेविंग, और वो आपके लिए स्पेशल है, देखो इतने में जितना वो आ रहा है मेरे ख्याल से समथिंग कुछ अमाउंट डाल के तो आपका महापैक ही आ जा रहा है, एक साल के लिए वैलिड है, तो आप बोलेंगे Y696S,
ठीक है। अच्छा बुक कैसे लेनी है कुछ बच्चों बता दें। ओके बच्चों, तो बुक कैसे लेनी, मैं बुक बता दूं आपको। यहां आना है आपको बुक के लिए, देखो लास्ट में आ जाओ, या तो जैसे जीटी में जाओ लास्ट में आ जाओ, लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉम्बो भी है, इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश कॉम्बो ले सकते हैं, जीटी चाहे तो जीटी ले सकते हैं। लेकिन बुक के लिए बच्चा कोड हमने अलग लगा रखा है, S696। क्या है बच्चा? S696। तो याद रखिए S696, ठीक है। चलो फिर इतना रखते हैं, आगे मिलते हैं, परसों मिलेंगे आप, कल आपकी रीजनिंग की क्लास है, परसों मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।